रेरा लागू होने से सबसे बड़ा चेंज तो ये होगा कि जो आम पब्लिक है, जो एंड यूजर्स हैं, उनका सेंटिमेंट जो अभी गिरा हुआ है, जितने बिल्डर्स आप देख रहे हैं कि बहुत डिफॉल्ट भी कर रहे हैं, मे बी कोई भी रीजन है, नॉट केवल उनकी गलती नहीं, सबकी गलती है, तो उसमें उनको जो अभी डिलेमा में है कि लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए, फिर पैसे दे के ना फंस जाएं, रेरा आने से उनको बड़ा कंफर्ट ये है कि एक उनको रेरा का कुछ नहीं पता, पर ये पता है कि ये जो पैसा दे रहे हैं ये हमारे एस्क्रो अकाउंट में जाएगा, और वो एस्क्रो अकाउंट से बंदा ऊट पटांग खर्च नहीं कर सकता, वो बिल्डिंग ही बनाएगा, वो पैसे वहीं खर्च कर सकते हैं। तो इस सेंटिमेंट से लगता है कि बिल्डर को फ़ायदा होने वाला है कि सिंगल विंडो क्लियरेंस मिलनी ज़रूरी है और वो एक टाइम शेड्यूल पे अप्रूवल्स मिलने चाहिए, ताकि इतने सारे निवेश करने के बाद में कोई भी डेवलपर अप्रूवल्स के लिए 1.5 से 2 साल तक वेट ना करे। वो टाइम अननेसेसरी वेस्ट होता है और कॉस्ट ओवररन होती है, कॉस्ट बढ़ती है। अगर हमें साइमल्टेनियस सारे अप्रूवल्स मिल जाते हैं तो यही एक एडवांटेज है जो हमें लगता है कि रेरा के आने के बाद ये संभव हो जाना चाहिए। कुछ प्रावधान हालांकि अभी भी रेरा में ऐसे हैं जो हमें लगता है कि वो कल भी अभी तंग करेंगे, जिसके अंदर ये बोला गया कि कोई भी अगर कमी है तो डेवलपर को पूरे पैसे इंटरेस्ट के साथ वापस देने पड़ेंगे। अगर डेवलपर ने वो पैसे प्रोजेक्ट में लगा दिए, उसको कहीं बाहर नहीं लेके गया, एस्क्रो से सारी रूटिंग है, प्रोजेक्ट में पैसे लगे दिख रहे हैं, लेकिन किसी वजह से वो कस्टमर को कैंसिल कराना चाहता है, तो उस पैसे पे डेवलपर ने इंटरेस्ट अर्न नहीं किया है, वो पैसा उसने वहाँ पे प्रोजेक्ट में लगा दिया, तो डेवलपर इंटरेस्ट कहाँ से देगा वो वाला, उसका आंसर अभी हमें डेवलपर कम्युनिटी को नहीं मिल रहा है। तो कुछ अच्छी चीज़ें हैं तो रेरा में, कुछ खामियां भी हैं, कुछ परेशानियां भी हैं। जो रेरा में आज जितनी भी चीज़ें उन्होंने बताई हैं कि ये करना है एक बिल्डर को, वो सारी की सारी आप विदाउट, जब तक आपके पास सारी की सारी परमिशंस नहीं आ जाती हैं, जब तक आप प्रोजेक्ट को लॉन्च नहीं कर सकते, वो हरियाणा गवर्नमेंट की अफोर्डेबल हाउसिंग पॉलिसी में ऑलरेडी है। आप कारपेट एरिया पे सेल कर सकते हैं, वो भी इस पॉलिसी का ही हिस्सा है। तो मुझे लगता है कि अफोर्डेबल हाउसिंग जो इस वक्त इस देश की ज़रूरत बना हुआ है रेरा आने के बाद, और एक अच्छी बात है कि जो सीरियस लोग हैं वही इस अफोर्डेबल हाउसिंग में आ पाएंगे। जिन लोगों को पहले की तरह काम करना है, मुझे लगता है उन लोगों को रुकना पड़ेगा। देखिए, आप प्रधानमंत्री जी ने पिछले, अगर आप 15 दिन की बात करें, तो काफ़ी ज़्यादा उन्होंने जोर दिया है कि जितनी भी रेवेन्यू लैंड्स स्टेट्स के पास हैं और ऐसी लैंड जिन पर अफोर्डेबल हाउसिंग बनाई जाने की संभावना है, उन सबको वो उन अफोर्डेबल हाउसिंग के लिए प्रोवाइड कराएं, जिससे लैंड के प्राइस बाय डिफ़ॉल्ट ही डाउन आएंगे। अगर लैंड के प्राइस डाउन नहीं आते हैं तो अफोर्डेबिलिटी का कोई मीनिंग ही नहीं है। वक्त हो गया एक और छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी हम आपको बताएंगे कि बायर्स का क्या नजरिया है इस रेगुलेटर को लेकर।